हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निकिता। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल एंड इजी सा आलू के पराठे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके भी पराठे बेलते समय और फ्राई करते समय आलू का स्टफिंग निकल के आए तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। पहले मैं स्टफिंग के लिए आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी ऑयन चॉप किया हुआ ग्रेटेड जिंजर, क्रश किया हुआ गार्लिक, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड कश्मीरी मिर्च पाउडर। बाद मैश किया हुआ आलू में मैं आधा हिस्सा ऑनियन का डालूँगी। उसके बाद सॉल्ट डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद बाकी के मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन सब के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर इसको एक साइड में रख दूंगी और कढ़ाई गरम कर लूंगी। कढ़ाई गरम होते ही मैं उस पे डालूंगी 2 teaspoon ऑफ ऑयल और इस पे मैं ऐड करूंगी चॉप किया हुआ अनियंस जो मैंने रख दिया था और उसको फ्राई कर लूंगी अच्छे से। उसके बाद ग्रेटेड जिंजर डालेंगे, क्रश्ड किया हुआ गार्लिक्स और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक बार ये गोल्डन ब्राउन दिखे तो मैं इसमें ऐड करूंगी क्रश्ड किया हुआ कसूरी मेथी और इसको मैं एक बार मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू और मसाले का जो मिक्सचर हम लोगों ने तैयार करके रखा था और इसको हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा स्टफिंग बहुत अच्छी बने। जब आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए उसके बाद एक फिनिशिंग टच के लिए आप कोरिएंडर लीव्स कट करके इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके फैला देंगे हम लोग और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। अभी चलते हैं डो बनाने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक बाउल में 3 cup ऑफ आटा लिया है, 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट, कसूरी मेथी ऑयल एंड शुगर के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक साइड में 1.5 glass ऑफ वाटर को अच्छे से बॉईल कर लूँगी। थोड़े थोड़े पानी ऐड करते हुए मैं आटे को एक अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी। डो बनाते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट बनने से हमारा जो स्टफिंग है वो निकल के आएगा और ज़्यादा हार्ड बनने से हमारा जो पराठा है वो ज़्यादा नहीं फूलेगा। कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। अभी हम लोग इसको ढक के एक साइड में रख देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटा के थोड़ी देर इसको भून लेंगे। इसको हम लोग बॉल्स बना लेंगे। याद रखें नॉर्मल रोटी के बॉल से पराठे का बॉल थोड़ा बड़ा बनता है। फिर मैं इसमें से एक बॉल लूंगी और इस बॉल को एक कटोरी के शेप दे दूंगी। इसके अंदर हम लोग डालेंगे स्टफिंग। हम लोग साइड्स को फोल्ड करते जाएंगे और स्टफिंग को अंदर प्रेस करते जाएंगे।
इसको अच्छे से सील कर देंगे। उसके बाद इसको रोल करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम लोग सारे स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। अभी चलते हैं रोलिंग के प्रोसेस में। पहले एक बॉल ले, इस बॉल को आटे में रख के चारों तरफ से धीरे धीरे प्रेस करते हुए एक रोटी के शेप दे दे। इस तरह से प्रेस करने से अंदर का जो स्टफिंग है ये चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाएगा। अभी इसको रोल कर लेते हैं, लेकिन हाँ याद रखे डायरेक्टली रोल मत कीजिएगा। हम लोग नीचे से लेफ्ट साइड से ऊपर जाएंगे और राइट साइड से बेलन को नीचे लाएंगे। इसी प्रोसेस में आप सारे आलू के पराठे बेल लें। इस तरह से बेलने से आपके पराठे फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे पराठों को ऐसे रोल कर लूंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि होगा फ्राइंग। तो यहाँ पे मैंने एक तवा या फिर फ्राई पैन आप चढ़ा सकते हो, के बाद एक एक करके हम लोग सारे पराठों को ऐसे सेक लेंगे। पहले एक साइड सेक के फिर फ्लिप कर देंगे, उसके बाद दूसरे साइड को भी बहुत अच्छी तरीके से सेक लेंगे। जब हमारा पराठा फूल के ऊपर उठेगा तो उसी टाइम हम लोग ऐड करेंगे ऑयल और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से एक एक पराठा अच्छी तरह से फ्राई कर लें, उसके बाद हमारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। आप ये रेसिपी घर में ही रहने वाले कुछ सामानों से बना सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके लिए ऐसा कोई रेसिपी लाऊं जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर में ही मिलेगा। मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है ना? प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी आपके लिए अपलोड करूँ आप तक वो रेसिपी सबसे पहले पहुँचे। देखिए मेरे आलू का पराठा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको गरम गरम सर्व कीजिए सब्जी या फिर चटनी के साथ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।